हेलो गाइस, आपका इस चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है इंस्टाग्राम पर दूसरों की स्टोरी अपने स्टोरी पे कैसे लगाए। जैसे कि आपने देखा होगा कि आप स्टोरी देखते देखते आपको कोई सा अच्छी एक स्टोरी लग जाती है, आप चाहते हो कि मेरे स्टोरी पे मैं कैसे लगाऊं, कैसे ऐड करूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको लाइव प्रूफ के साथ इंस्टाग्राम पर आपकी दूसरे की स्टोरी अपने स्टोरी पे कैसे लगा सकते हो। और दोस्तों, इंस्टाग्राम से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं इंस्टाग्राम से रिलेटेड और भी वीडियो लाते रहूं। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपको इंस्टाग्राम ओपन कर लेना है। इंस्टाग्राम ओपन करने के बाद आप देख सकते हो ऊपर बहुत से स्टोरी है, तो आप किसी की स्टोरी आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर फिलहाल किसी की एक स्टोरी उठा लेता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर यल स्टोरी में क्लिक कर देता हूँ। मैं क्लिक करने के बाद यल एक स्टोरी मेरे स्टोरी डालने देता कि अभी महाकाल का है तो महाकाल की वीडियो। तो मैं यहाँ पर इसको कैसे डाउनलोड करता हूँ, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हो ऑप्शन नहीं आ रहा है, देख सकते हो यहाँ पर ऑप्शन नहीं आ रहा है। और थ्री डॉट पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर भी वीडियो नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा है। उसके बाद मैं यहाँ पर बैग आ जाता हूँ। बैग आने के बाद कभी मैं चाहता हूँ कि अली पोस्ट तो डालो तो पोस्ट ही आसानी के साथ यहाँ पर एड पोस्ट टू योर स्टोरी हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मगर हमें स्टोरी डाउनलोड करना है, जैसे कि आप देख सकते हो ये वाली स्टोरी है, जैसे कि मैं स्टोरी अपनी स्टोरी पर डालना है, कैसे डालेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो क्लोज करें, मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। तो दोस्तों, आपको पूरे बैग आ जाना होगा। बैग आने के बाद दोस्तों, आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पे आपको स्टोरी सेवर मेकर जो आपको डाउनलोड कर लेने, नहीं तो मैंने डिस्क्रिप्शन दी लिंक दिए, वहाँ से भी आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। तो उसके लिए आपको यहाँ से डाउनलोड मैंने कर लिया ऑलरेडी, तो बिना टाइम वेस्ट किए तो दोस्तों आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। इंटरफेस दिखने के बाद मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ और यहाँ पर दो ऑप्शन दिखते हैं, फॉलोइंग का दिखता है और स्टोरी का। तो आपको स्टोरी पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप जैसे कि वो अपने जिस नाम का लिखा था उसको हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं, यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पर मैं नीचे रोटेट करता हूँ, रोटेट करने के बाद थोड़ा सा नीचे, और जैसे कि यह नाम था तो ये नाम पर मैं क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ पर एड आ चुका है तो एड को आपको कट कर देना है। कट करने के बाद देख सकते हो यहाँ पर तीन उन्होंने पिक डाली थी, मगर हमें ये वीडियो चाहिए थी। तो ये डालने के बाद आपको यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड का, डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। डाउनलोड पे क्लिक करना है, यहाँ पर स्टार्ट डाउनलोड हो रहा है। बैग आ जाना है। बैग आने के बाद आपको ये वाली पे स्टोरी पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड करना का, तो यहाँ पर क्लिक करना है। बैग आ जाते हैं तो ये हमारी डाउनलोड हो चुकी है। डाउनलोड होने के बाद आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है और शेयर पे क्लिक करना है। शेयर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर स्टोरीज का ऑप्शन आ रहा है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। ये दोस्तों हमारे यहाँ पर ऑटोमेटिक पूरी पूरी आ चुकी बिना नाम की। तो आप देख सकते हो मैंने पूरे स्टेप बाय स्टेप बताया और इसको आपको यहाँ पर सेंड टू पे क्लिक करके इसे शेयर भी कर सकते हो। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, कुछ भी इसमें नया सीखने को मिला हो तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मैं ऐसे लेटेस्ट आपके लिए लाते रहूँ। दोस्तों, आज के लिए इतना ही।